नमस्कार छात्रों, जय हिंद। सभी को राम राम, सभी को जय श्री कृष्णा। बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है, साथ ही साथ वेदांता एकेडमी इंदौर में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश वर्ग दो के लिए साइंस स्टार्ट हो चुका है, मेंस क्लास। तो सभी बच्चे जो साइंस के अकॉर्डिंग पेपर दे रहे हैं, उनके लिए ये मैराथन या ये क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों, इस क्लास के अंदर जो भी आपका सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग आपको पूरा का पूरा सिलेबस करा दिया जाएगा विद एनसीईआरटी पैटर्न के आधार पर। अगर एनसीईआरटी आपने एक बार कंप्लीट कर ली ना, फिर आपको कुछ अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो आज का टॉपिक, हम ज्यादा टाइम ना गवाते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उस टॉपिक का नाम है साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान, जिसका नाम है सेल। आज हम क्या पढ़ने वाले बेटा, टॉपिक साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान अर्थात सेल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो ये आपका पूरा टॉपिक अर्थात सेल बायोलॉजी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो पूरे के अकॉर्डिंग यहां से आप देख पढ़ते चलेंगे पूरा का। तो बेटा, सबसे पहले प्रश्न आता है कि कोशिका क्या होती है, कोशिका क्या है, कोशिका का मानव जीवन पे क्या प्रभाव है, या इसका मतलब है कि कोशिका का अर्थ क्या होता है। तो पहला प्रश्न हम यहीं से उठाएंगे। तो प्यारे बच्चों, तैयार हो जाओ। कोशिका क्या है, पहला शब्द आया कोशिका क्या है, व्हाट आर कोशिका। तो कोशिका के बारे में बताऊं बेटा, संपूर्ण जगत कह लो, जीवित कोशिका, जो भी जीव सजीव है उसका शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। मेरा शरीर सजीव है तो कोशिका से मिलकर बना होता है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कोशिका जीवन की संरचनात्मक इकाई है और कोशिका जीवन की कार्यात्मक इकाई है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है, तो वो होती है आपकी कोशिका। क्योंकि बेटा, मेरा शरीर किससे मिलकर बना है, कोशिका से। मेरे बाल को खाड़ के देखोगे, उसमें भी कौन है, कोशिका। आप स्केच मारोगे तो कौन नष्ट होगी, कोशिका होती है। क्योंकि आपकी जो कोशिका जो होती है वो शरीर की संरचना बनाने में क्या करती है, सहायता। अगर ये बताओ शरीर की संरचना बन जाएगी तो बेटा क्या बन जाएगा, बेटा कार ऊतक बनेंगे, बेटा सेल से क्या बनेंगे, टिश्यू बनेंगे, टिश्यू से ऑर्गन बनेंगे, और ऑर्गन जो होती है वो शरीर के कार्यात्मक इकाई करने का कार्य करती है। अर्थात आपको बता दें, कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। प्रश्न यहां से भी पूछा जा चुका है कि शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो आपको आंसर लगाना पड़ेगा कोशिका होती है। कौन सी होती है, कोशिका होती है बेटा। ये संसार का सबसे छोटा जीव हो, संसार का सबसे छोटा जीव कौन सा बेटा, सबसे छोटा जीव अमीबा हो या संसार का सबसे छोटा जीव हाथी हो, उनका शरीर भी बेटा, उनका शरीर भी कोशिका से मिलकर बना होता है। शरीर भी कोशिका से मिलकर बना होता, ध्यान रखना। संसार का सबसे छोटा जीव कोश, अमीबा, पैरामीशियम जो सूक्ष्म जीव होते हैं, या संसार का सबसे बड़ा जीव हाथी मार ले लो, या हम कह सकते हैं बेल मचे, जो भी आप मानो, कि जो कि उनका शरीर भी कोशिका से मिलकर बना होता है। प्यारे बच्चों, इस बात को दिमाग में डाउनलोड कर लो, इतना पढ़ने के बाद आपको दूसरी कोई किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहां से तीन प्रश्न, यहां से दो प्रश्नों की बात करें कि कोशिका शरीर की संरचनात्मक, बेटा कोशिका शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है, और शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, कोशिका होती है बेटा। और बेटा यहां से देखने वाली बात यहां पर है, देखेंगे जो भी जीव कोशिका से बने हैं, या हम कह सकते हैं जो भी जीव कोशिका से बने होते हैं, इस पॉइंट को देखें बच्चों, अगर जो भी जीव कोशिका से बने होते हैं वो सजीव कहलाते हैं। सजीवों में कोशिका बन पाई जाती है और कोशिका से ही शरीर का निर्माण होता है। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हुई होगी। एक पॉइंट यहां से उठता है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, कोशिका का जब अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन का मतलब प्लांट सेल,
एनिमल सेल, बैक्टीरिया सेल, जब इनका अध्ययन किया जाता है, जैसे आरबीसी कोशिका का अध्ययन करना, पीपीएलओ की कोशिका का अध्ययन करना, जब इनका अध्ययन किया जाता है, वो अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। प्रश्न को दिमाग में डाउनलोड कर लीजिए बेटा, प्रश्न यहां से ही बनेगा। ये बताओ, नई कोशिका की उत्पत्ति पुरानी कोशिका के विभाजन से होती है, ये प्रश्न आएगा। ये बताओ सर, आपका प्रश्न आएगा सर, कोशिका की उत्पत्ति कैसे होती है, कोशिका का निर्माण कैसा होता है, कोशिका कैसे प्रकट हो जाती है, कोशिका का निर्माण कैसा होता हो, तो सबसे पहले बताऊं आपके घाव लग जाए, यहां पर आपको क्या लग जाए, यहां पर आपको कट लग जाए बेटा, यहां पर आपको कट लग जाए। आप मोटरसाइकिल से जा रहे थे बुलेट पर, बुलेट पर जा रहे थे दुदू करके बेटा, और आपकी भगवान ना चाहे गाड़ी गिरे, आपकी मोटरसाइकिल फिसल गई, आपका हाथ छिल गया, तो कौन नष्ट हो गई, आपकी कौन नष्ट हो गई, कोशिका नष्ट हो गई। तो बेटा जब पुरानी कोशिका पूरी तरह से हट जाती है, तभी तो आपको देखा नई खाल आती है, नई त्वचा आती है। तो पुरानी कोशिका, जब नई कोशिका का निर्माण कब होगा, जब पुरानी कोशिका पूरी तरह से हट जाए, तब नई कोशिका विभाजित होती है। पुरानी कोशिका विभाजन से ही नई कोशिका का क्या होता है, निर्माण होता है। इतनी बात ध्यान रखेंगे बच्चों, आई होप आपको समझ में आया हो। तो सबसे पहले आपको यहां से अल्टीमेट आपको एक एक चीज की जानकारी देने वाला हूं। जैसे बेटा शरीर को बनाने, सब संसार के यार शरीर सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, सबसे शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है बेटा, सेल होती है। शरीर की सबसे छोटी इकाई सेल होती है, ये तो आपको पता है। बाल को खारो तो सेल, किसी की नाखून छील लो तो सेल। तो हमारा शरीर किससे मिलकर बना, सेल से। ये बताओ जब बहुत सारी सेल मिल जाओ, बहुत सारी सेल आपस में मिल जाती है, बहुत सारी सेल आपस में मिल जाएंगी तो वो क्या कहलाती है, टिशू। ये बात कोशिश करना समझने की। आप जा रहे थे बेटा, आप जा रहे थे, आपके पीछे से कुत्ता आ गया, आपके पीछे से क्या आ गया, कुत्ता आ गया, और कुत्ते ने आपकी पैर को खा लिया, पैर को खा लिया, तो बेटा एक कोशिका जा गई होगी अंदर या बहुत सारी कोशिका। तो जो केक का टुकड़ा कुत्ते के मुंह में है, तो बेटा एक कोशिका तो होगी नहीं, उसके अंदर बहुत सारी कोशिका होंगी। तो बहुत सारी कोशिकाओं का जो गुच्छा बन जाता है, जो बहुत सारी कोशिकाओं का गुच्छा बन जाता है, उसी को क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं, ऊतक कहते हैं। तो ऊतक के बारे में आपको जानकारी होगी बेटा, और बहुत सारे ऊतक मिल जाए, जब बहुत सारे ऊतक आपस में मिल जाते हैं तो एक अंग का निर्माण करते हैं, एक ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं, और कई सारे ऑर्गन्स मिल जाए तो बेटा एक अंग तंत्र का, ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। आई होप मेरी बात आप तक जा पहुंच रही होगी। और बेटा और अंग तंत्र आपस में मिल जाए तो बेटा एक जीव का निर्माण हो जाता है, एक जीव। तो फिर देखें बेटा, बहुत सारी सेल मिलने के बाद, ये बहुत सारी सेल है बेटा, बहुत सारी सेल मिलने के बाद किसका निर्माण हो गया, टिश्यू, ऊतक का निर्माण हुआ। तो ध्यान रखना, बहुत सारी सेल मिलने के बाद ही बेटा ऊतक का निर्माण होता है, और ऊतक से बेटा ऑर्गन, ऑर्गन कौन कौन से हो सकते हैं, हार्ट हो सकता है, लिवर हो सकता है, किडनी हो सकती है। तो ऊतक से ही ऑर्गन्स का निर्माण होता है, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होता है, ऑर्गन सिस्टम से एक बॉडी बन जाती है। क्या बन जाती है बेटा, बॉडी बन जाती है। इसी तरह सबसे पहले जनसंख्या से समुदाय बनता है, समुदाय से परितंत्र, परितंत्र जीवन जीव मंडल बनता है। इस बात को आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। मेरी बात क्लियर हो रही होगी प्यारे बच्चों, बहुत ही आनंद के साथ आपकी क्लास बहुत ही मजेदार होगी बेटा। इससे बेस्ट साइंस आपको कहीं नहीं मिलने वाला। मैं हर फैक्ट को प्लस एनसीईआरटी को लेकर चलूंगा। आप इस धीरे धीरे हम जीरो लेवल से हाई लेवल की ओर आएंगे बच्चों, यकीनन मानिए आपको इससे बेस्ट नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले कोशिका के बारे में हम जानकारी ली थी बेटा, शरीर की सबसे छोटी इकाई सेल होती है। चेकआउट करें कोशिका के बारे में, देखेंगे कोशिका की खोज जो डिस्कवरी, कोशिका की खोज किसने की बेटा, रॉबर्ट हुक। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि फादर ऑफ सेल किसे कहा जाता है, रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ सेल कहा जाता है। अब सबसे पहले आता है तो इसने क्या, इन्होंने क्या किया, जो एक लकड़ी का टुकड़ा था,
कार्क का टुकड़ा। अब आप कहोगे कि एक लकड़ी का जो कॉर्क वाला भाग होता है, लकड़ी का एक लकड़ी की बात करें तो उसमें कॉर्क वाला भाग होता है, उस कॉर्क वाले भाग में रॉबर्ट हुक ने सूक्ष्मदर्शी के माध्यम अनुसार सूक्ष्मदर्शी के उसके यंत्र के माध्यम से सबसे पहले कोशिका को खोजा था। तो उन्होंने सबसे पहले कॉर्क के टुकड़े से कोशिका की खोज की थी बेटा, पर कॉर्क में उन्होंने एक मधुमक्खी जैसी संरचना देखी। कॉर्क का जो टुकड़ा था उसमें बेटा जब सूक्ष्मदर्शी के माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखा तो उनको बेटा एक मधुमक्खी का छत्ता होता है बेटा, ऐसे ही मधुमक्खी का छत्ता आपने देखा होगा बेटा कि मधुमक्खी के छत्ते जैसी क्या ऐसी संरचना मिली, या हम एक्सोजन संरचना कहते हैं, मधुमक्खी के समान संरचना मिली बेटा। आपने मधुमक्खी का छत्ता आवश्यक देखा होगा, उसमें संरचना थी, उस संरचना को बेटा क्या नाम, कैसी संरचना थी, हेक्सोजन। क्योंकि आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो इस प्रकार की संरचना होती है, इसे इस प्रकार की संरचना को बेटा क्या कहते हैं, हेक्सोजन संरचना कहते हैं। तो ये इस प्रकार की संरचना मिली तो इस प्रकार की संरचना को हेक्सोजन संरचना कहा गया था और इन्हें कई कोशिका नाम दिया था। तो सबसे पहले यह भी आपको ध्यान रखना प्यारे बच्चों ध्यान रखना, रॉबर्ट हुक को मृत कोशिका का पिता कहा जाता है। प्लस पॉइंट यहां से आने वाला है कि रॉबर्ट हुक जो थे, ये जो रॉबर्ट हुक साहब हैं, इन्होंने जीवित कोशिका की खोज नहीं की थी, इन्होंने जीवित लिविंग सेल की खोज नहीं की थी, इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। इन्होंने किसकी खोज की थी बेटा, मृत कोशिका की। इन भाई साहब ने बेटा मृत कोशिका की खोज की थी बेटा, और कॉर्क के टुकड़े में बेटा देखो इधर ये मधुमक्खी का छत्ता दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल संरचना देखी थी इन्होंने, इस प्रकार की संरचना उन्होंने देखी थी, इसी का नाम क्या दिया था, हेक्सोजन। परंतु ध्यान रखना बच्चों, रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका देखी थी, इसलिए मृत कोशिका का पिता नाम भी कहा जाता है। प्रश्न यहां से आएगा, अगर आप फादर ऑफ सेल पूछा जाए तो फादर ऑफ सेल किसको लगाना है आपको, फादर ऑफ सेल आपको रॉबर्ट हुक को ही लगाना है प्यारे बच्चों। देखेंगे कॉर्क का टुकड़ा क्यूरकस वृक्ष की लकड़ी से मिलता है, यह भी आपको प्रश्न पूछेगा सर कॉर्क का टुकड़ा किस लकड़ी से मिलता है, तो यह आपको ध्यान रखना क्यूरकस वृक्ष की लकड़ी का टुकड़ा जो लकड़ी से मिलता है कॉर्क का टुकड़ा। यहां से देखेंगे रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की और इसकी तुलना कैसे छोटे कमरा, बेटा अभी तो बताया था इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी और बेटा इन्होंने क्या बोला था, छोटे कमरा। देखेंगे आप लोग इसमें बेटा छोटे छोटे से छिद्र पाए जा रहे हैं, क्या इसमें छोटे छोटे से छिद्र पाए जा रहे हैं बेटा, तो इन्होंने इन कोशिका को क्या नाम दिया था, इन्होंने इन कोशिका को मृत को छोटे कमरे की तुलना की थी बेटा। तो ये बात आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। तो बेटा अगर आपसे पूछा जाए जीवित कोशिका की खोज किसने की, प्रश्न बनेगा बेटा, हकीकत कह रहा हूं 100% कह रहा हूं कि प्रश्न बनेगा कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। आपको बता रहे इन्होंने एक तालाब के पानी को लाया और तालाब के पानी माइक्रोस्कोप से देखा तो बेटा उसमें कुछ अलग प्रकार का दिखाई दिया, उसमें कुछ नए ढंग का कुछ दिखाई दिया, तो दिखाई देने के बाद उन्होंने खोज की, उस पर चर्चा की, उसकी विशेषता ढूंढी कि इसमें अलग प्रकार की संरचना कौन सी है, तो देखा गया उसमें कोशिका की खोज ही। तो वो कोशिका कौन सी थी बेटा, बैक्टीरिया की कोशिका थी। तो सबसे पहले जीवित कोशिका तालाब के पानी से ल्यूवेनहॉक ने खोजी थी, वो कौन सी कोशिका थी, जीवाणुओं की कोशिका की खोज किसने की थी बेटा, ल्यूवेनहॉक ने की। इस बात की आप चर्चा रहो, तो जीवित कोशिका की खोज किसने की है, जीवित कोशिका की, हो याद रखो जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने की है और मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की है बेटा। और ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले किस में खोजी थी, बैक्टीरिया जीवाणुओं में खोजी थी। इस बात को देखेंगे बेटा, ये आपकी तस्वीर दिखाई दे रही है, ल्यूवेनहॉक साहब की ये तस्वीर दिखाई दे रही है कि ये तस्वीर क्या जानकारी दे रही है, इस तस्वीर के माध्यम से बेटा इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की है। फादर ऑफ सेल पूछा जाए,
प्यारे बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ सेल किसे कहते हैं, फादर ऑफ सेल किसे कहते हैं, तो रॉबर्ट हुक लगाना, ना कि लीवन हुक लगाना। आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही होंगी। तो आगे चलते हैं। अब सेल थ्योरी क्या होती है, कोशिका सिद्धांत की बात करते हैं। कोशिका सिद्धांत, कोशिका की खोज हो चुकी है, जीवित कोशिका की भी खोज हो चुकी है और मृत कोशिका की भी खोज हो चुकी है। अब बेटा कोई इसको पढ़ने वाला तो चाहिए, इसको लिखने वाला तो चाहिए, इसका थ्योरी तो देना चाहिए, किसी को सिद्धांत भी तो देना चाहिए। तो सिद्धांत देने के लिए दो व्यक्ति आए, पूरी भीड़ में से केवल कोशिका को समझने के साथ साथ दो व्यक्तियों ने भीड़ दिया, सिद्धांत दिया था दो व्यक्तियों ने। कौन से व्यक्ति हैं? तो सबसे पहले आता है कि 1838 में जर्मनी के वनस्पति विज्ञान मैथियस स्लाइडन, स्लाइडन साहब ने 1838 में कोशिका सिद्धांत दिया। इन्होंने बताया, सारे पौधों का अध्ययन कर बताया कि पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और कोशिका ऊतक का निर्माण करती। इस बात पर ध्यान रखना, स्लाइडन साहब ने क्या कहा, ये स्लाइडन साहब की तस्वीर आपके सामने लगाई रखी है मैंने। स्लाइडन साहब ने सबसे पहले, स्लाइडन साहब ने बात करें बेटा, यहां पर चेक करेंगे तो स्लाइडन साहब ने सेल की खोज की बेटा, परंतु किसमें की, प्लांट में की। ये भी आपको ध्यान रखना है कि प्यारे बच्चों, स्लाइडन साहब ने कोशिका सिद्धांत जो दिया था वो किस विषय में दिया, पौधों में दिया था। तो कई सारे पौधों का अध्ययन किया और बताया था पौधों भी अलग अलग प्रकार की या विभिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है, स्लाइडन ने बच्चों आपके प्लांट कोशिका के सिद्धांत दिया था या पौधों का अध्ययन, इतनी बात आपको समझ में पड़ी। अब बात करते हैं, तो एक बार आप चेहरा भी दे सकते हैं, स्लाइडन साहब का आपकी तस्वीर भी लगी प्यारे बच्चों, तो ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी मेरे। अब आते हैं 1838 में स्लाइडन साहब निकल आए थे। अब बच्चों 1839 की बात होती है, 1839 में स्वान साहब आए थे। स्वान साहब ने बताया विभिन्न जंतुओं की कोशिका का अध्ययन किया, इन्होंने बेटा जंतुओं की कोशिका का अध्ययन किया, उन्होंने बेटा प्लांट सेल का अध्ययन किया, और इन्होंने बच्चों एनिमल सेल का या प्लांट सेल का अध्ययन किया और बताया कि सभी जंतुओं की शरीर जो निर्माण होता है वो विभिन्न विभिन्न, जो भी लिखा है बेटा, विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। एक एनिमल सेल की बात करें तो 200 से भी अधिक कोशिकाओं से मिलकर एनिमल सेल, वो एनिमल बनता है बेटा। तो ये बात आप ध्यान रखना, स्वान ने बेटा जंतु कोशिका का अध्ययन करके सिद्धांत दिया था, और स्वान ने और स्लाइडन ने बेटा प्लांट सेल का अध्ययन करके बेटा दिया था। इसलिए बेटा स्लाइडन और स्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। जब इनको पता चल गया कि स्लाइडन ने प्लांट दे दिया और स्वान ने एनिमल सिद्धांत दे दिया, तो इन दोनों ने बच्चों फ्रेंडशिप कर ली, इन दोनों ने बेटा दोस्ती कर ली, और दोस्ती करके बोला चलो हम एक नया सिद्धांत निकालते हैं, दोनों मिलकर कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं। तो बच्चों स्लाइडन और स्वान कोशिका सिद्धांत दोनों मिल गए थे। इसलिए आजकल चलन में क्या होता है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया है, तो दोनों का नाम आता है, स्लाइडन और स्वान। स्लाइडन और स्वान ने दो सिद्धांत दिया परंतु एक कोशिका सिद्धांत। पर एक बात आपको ध्यान रखूं, ध्यान रखो, सीखो मेरी बात, एक बात आपको बता दूं, इन्होंने एक गलती कर दी। इन्होंने एनिमल प्लांट की खोज की, सेल की अध्ययन किया, सॉरी एनिमल सेल का अध्ययन किया, प्लांट सेल का अध्ययन किया, परंतु इसमें एक गलती हो गई। पर ये एक चीज नहीं बता पाए थे, बंदे क्या नहीं बता पाए कि बेटा ये क्या नहीं बता पाए, इस पर ही चर्चा कर लेते हैं। इनका सिद्धांत चलो, तो बेटा
चेक करते हैं। इन्होंने बताया, इनका सिद्धांत या बताने में अस्पर रखा कि नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है। ये नहीं बता पाए कि नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है। बेटा पुरानी कोशिका थी उसकी जगह नई कोशिका आई, पर ये नहीं बता पाए कि नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है। तो ये बताया किसने, उस पर भी चर्चा कर रहे हैं कि नई कोशिका का निर्माण किस प्रकार होता है, वो बताया था बच्चों। ये आपको स्वान का फोटो देख लो बेटा, स्वान साहब थे, ठीक है। इन्होंने किसका अध्ययन किया था बेटा, एनिमल सेल का अध्ययन किया था। प्यारे बच्चों, इस तरह से पीपीटी आपके अरेंजमेंट की गई है कि आपको एक बार पढ़ने के बाद दूसरी बार किसी भी कॉपी में झांकने की आवश्यकता नहीं है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको यहां से एक क्लियर कर देता हूं। अब बताओ, स्लाइडन और स्वान का कोशिका सिद्धांत लागू हो गया, परंतु इन्होंने क्या नहीं बता पाए, इन्होंने ये बात नहीं बता पाए कि नई कोशिका की उत्पत्ति कैसे होती है। अब एक और ट्विस्ट आ गया कहानी में, एक और बंदा आ गया कहानी में, वो कौन सा था, तो आपको बता दूं, वो था रोडल बर्चाऊ साहब। दूसरा तीसरा बंदा आ गया बर्चाऊ साहब, ने साबित कर दिया, इन्होंने बताया कि कोशिका की उत्पत्ति अपनी पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से होती है। इन्होंने क्या बोल दिया, अर्थात नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका के विभाजन से होता है। तो बिरचाऊ साहब वो व्यक्ति थे, वो आइडियल थे, इन्होंने सिद्ध कर दिया कि नई कोशिका पुरानी कोशिका पूरी तरह विभाजित हो जाती है, तब नई कोशिका आती है। नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका के विभाजन से होता है। अब आप सोचोगे, सर आप नई कोशिका पुरानी कोशिका दुरानी कोशिका फलाना ढिकाना चिल्ला रहे हो, हमें को बताओ। मैं बताने को लिए तैयार हूं बच्चों, तो आप सुनने के लिए तैयार हूं। ये बताओ, आपने मूवी तो बहुत देखी होंगे, मूवी तो बहुत देखी, मैं अभी एग्जाम्पल दिया था। ये बता, आपके यहां पर चोट लग गई बेटा, आपके यहां चोट लग गई, तो बता पुरानी कोशिका अट गई, घाव हो जाता है, फिर बेटा काले कलर की ब्लैक कलर की पापड़ी हिंदी भाषा में जो हम आजकल यूज करते हैं कि घर में कि पापड़ी पड़ गई है, पापड़ी मत छुटा लियो, घरवाले कहते हैं कि पापड़ी मत छुटाइए, खून निकलेगा घाव में से, और धीरे धीरे वो घाव पूरा भर जाता है, ठीक हो जाता है, तब आपकी नई कोशिका आती है। तो वही कहना चाहता हूं, जब पुरानी कोशिका पूरी तरह विभाजित हो जाएगी तब उसकी जगह कौन सी आएगी, नई कोशिका आएगी, यही बताना चाहता हूं प्यारे बच्चों, ठीक। तो ये सारे के सारे बताया किसने बेटा, पूर्ववर्ती। तो यही बताया था कि बेटा एक आपकी सेल है, यहाँ पे डायग्राम के माध्यम देख लो, विभाजन का मतलब सेल डिवीजन, एक कोशिका है, एक कोशिका से फिर देखो यहाँ पर दो गुणसूत्र बने, इस तरह से देखेंगे दो कोशिका का निर्माण हुआ, तो पुरानी कोशिका से ही किसका निर्माण हो रहा है, नई कोशिका का निर्माण हो रहा है। तो बच्चों सेल डिवीजन को हम और अच्छी से चैप्टर में समझेंगे, तो इतनी बात आपको क्लियर कर दी गई है। प्यारे बच्चों, आई होप कि मैं आपको समझा पा रहा हूं, और बेहतरीन क्लास होने वाली है। क्या कह रहा हूं बच्चों, आओ ठीक है, सेल यहां पर बेटा सेल लिखा है, या यहां पर साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान को इंग्लिश में साइटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो टैब में थोड़ा सा मिस्टेक है, तो आपको एडजस्ट कर ले। प्यारे बच्चों, आओ समझते क्या हुआ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेल के। सेल आपको पता है कि बेटा एक सेल को मैंने दो भागों में बांट दिया, एक ह्यूमन सेल मानव कोश का, एक बात कर दिया जंतु कोश का। अगर पेपर में ऐसे लिख के आए, प्रश्नों को समझना, अगर प्रश्न यहां से निकल गया दिमाग से, मैं याद कराकर आपको याद कराऊंगा बेटा, चिल्ला चिल्ला कर याद कराऊंगा, जब तक याद नहीं होगा मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा। अगर पूछा जाए सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो आप लगाओगे माइक्रोप्लाज्मा। क्या आंसर लगाओगे, सबसे छोटी कोशिका पूछा जाए तो माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका। अगर आपसे प्यारे बच्चों
अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी कोशिका कौन सी, ध्यान रखना कुछ इसमें ज्वाइंट नहीं कर रहा, पहले खाली ये पूछ रहा हूं कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो माइक्रोप्लाज्मा होती है। अगर आप इसे पीपीएलओ भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं बेटा, पीपीएलओ, माइक्रोप्लाज्मा को पीपीएलओ भी। अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो आपको बता दूं ये शुतुरमुर्गे के अंडे के समान होती है। कौन सा बेटा, शुतुरमुर्ग, लगभग 10 से 7 एमयू के समथिंग होती है ये, 0.4 तक एमयू तक होती है। पर आपको ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ये माइक्रोप्लाज्मा आपको याद रखना है। और सबसे बड़ी कोशिका बेटा, सबसे बड़ी कोशिका पूछा जाए तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है आपकी, शुतुरमुर्गा। शुतुरमुर्गा अंडा देखा बेटा, शुतुरमुर्गा जिसे ऑस्ट्रिच बोलते हैं बेटा, आपने देखा होगा एक मूवी आई थी जिसमें खिलजी बनाता, हमारा रवि सिंह खिलजी बनाता, तो उस मूवी में बेटा एक सीन है, इतना बतला 6 फुट का, समझ 5 से 6 फुट से ऊंचे भी और ज्यादा हो सकता है बेटा, एक पक्षी के साथ वो पक्षी को लेकर घुमाता है, एक पक्षी को लेकर घुमाता है, तो वो बेटा शुतुरमुर्गा होता है। तो शुतुरमुर्गे के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी होती है, ध्यान रखे बेटा। अगर मैं आपसे पूछा जाऊं सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन सेल होती है, तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है, सबसे लंबी कोशिका पूछा जाए तो सबसे लंबी बेटा, बड़ी नहीं, सबसे लेंथ के आधार पर सबसे बड़ी लंबी पूछा जाए तो न्यूरॉन सेल तंत्रिका तंत्र होती है। 3 प्रश्नों पर चर्चा हो गई, 3, सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है और सबसे लंबी कौन सी है। अब ब्रेन को खोल के रखो, जो कहना चाह रहा हूं उस पर थोड़ा सा मैं आ रहा हूं। अगर पूछा जाए मानव शरीर की, प्रश्न क्या लग गया बेटा, आप प्रश्न लग गया बेटा मानव शरीर की, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है या सबसे छोटी कौन सा छोटी कोशिका कौन सी, ये 2 प्रश्न आपसे। अगर लिख के क्या आ जाए मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका या मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, तो आपको बता दें मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो स्पर्म की होती है, शुक्राणु में होती है। जो कि स्पर्म जो होते हैं वो किस में पाए जाते बेटा, पुरुषों में पाए जाते हैं। मानव की सबसे छोटी कोशिका स्पर्म होती है, हिंदी में इसे बेटा शुक्राणु कहते हैं। और शुक्राणु किस में भरे होते हैं, शुक्राणु स्पर्म किससे निकलते हैं, तो शुक्राणु भैया निकलते हैं पुरुषों से। अब बात करें मानव शरीर, क्या लिख के आया बेटा, लिख के आए मानव शरीर। अगर कुछ लिख के नहीं आ रहा और पूछा गया सबसे बड़ी सेल क्या होता है, तो आपको आंसर देने पड़ेंगे। और मानव शरीर लिख के आ जाए तो समझ लो। और सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो अंडाणु, अंडाणु कोशिका, ओवम सेल। और बेटा ओवम सेल किसमें पाए जाते बेटा, स्त्रियों में। अंडाणु किसमें बनता है बेटा, स्त्रियों में बनता है बेटा लगभग, ठीक है। और बेटा ये प्रश्न आपको ध्यान रखने वाले, आई होप मेरी बात आपको मैं पूरी तरह से क्लियर कर चुका हूं मेरे प्यारे बच्चों। अब आते हैं थोड़ा सा, अगर यहां से प्रश्न बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, हर तरह से प्रश्न की ओर चल रहा हूं बेटा। अभी तो शुरुआत है, अभी तो बेसिक चैप्टर की ओर चल ही रहे हैं, आपको एंड तक ज्ञानी बना दूंगा, बाबा ज्ञानी। आपसे लोग आपके नाम से नहीं, आपके बाबा ज्ञानी से पहचाने जाओगे। और पूछोगे आप कहां पे पढ़ते हो, तो वेदांता क्लास आप बताओगे। तो बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे लंबी कोशिका तो आपको पता चल गया तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है, बड़ी पूछा जाए तो शुतुरमुर्गे की अंडी की होती है। अगर पूछा जाए पक्षियों का अंडा अपने आप में एक कोशिका ही होता है, जैसे शुतुरमुर्गी का अंडा उसमें भरपूर या सबसे बड़ी कोशिका का रूप होता है, तो पक्षियों का जो भी अंडा होता है वो एक प्रकार की कोशिका का स्वरूप होता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलें। प्यारे बच्चों 2 प्रश्न यहां से निकाल के आ रहा हूं, 2 प्रश्न की ओर चर्चा करेंगे। कौन सा प्रश्न, सबसे तेज कोशिका विभाजन किसमें होता है,
सबसे तेज कोशिका विभाजन, कौन सी सेल है जिसमें सबसे ज्यादा जल्दी सेल डिवीजन होता है, अर्थात पुनर्निर्माण, रिकवरी, जल्दी से बन जाती है। पुनर्निर्माण किसमें सबसे ज्यादा होता है, तो वो होती बेटा लिवर, यकृत, लिवर। तो अगर आपका यकृत में कोई खराबी आ चुकी है, यकृत खराब हो रहा है, आपका टिश्यू थोड़े से गल गए हैं, तो सबसे पहले निर्माण या पुनर्निर्माण, रिकॉल, रिकवरी, सबसे पहले कि कौन सा होता है, यकृत होता है। ये प्रश्न आ चुका है कि शरीर का कौन सा अंग है जिसमें कोशिका विभाजन सबसे जल्दी होता है, सबसे तेज होता है, वो आपका आंसर लगा लोगे यकृत। और वो शरीर का सबसे कम कोशिका विभाजन किसमें होता है, अर्थात एक बार खराब होने पर, एक बार खराब होने पर थी, रिकवरी नहीं करती, पुनर्निर्माण नहीं होता, या धीमा होता है, या धीमा होता है, वो आपकी न्यूरॉन सेल, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका कोशिका, या हम इसे तंत्रिका कोशिका की भी कह सकते, न्यूरॉन सेल कोशिका। तो बेटा सबसे जल्दी विभाजन आपका यकृत हो जाता है, सबसे कम विभाजन या सेल डिवीजन जिसका रिकवरी धीमे होती है या ना के बराबर होती है, वो आपका होता है बच्चों, समझ में आ गया, आ गया होगा बच्चों। तो ठीक है, आगे चलते बेटा, और भी बेहतरीन चीजों को हम समझाने की कोशिश करते हैं, इससे बेस्ट आपको हम दे रहे हैं बेटा। और बेटा आपको बता दूं, एमपीटेट वर्ग दो में यहां से प्रश्न बनेगा, टेस्ट बनेगा बेटा। जब टेस्ट बनेगा तो मेरे लिए जूस लेके आना, और मेरे लिए क्या क्या सर आपने जो पढ़ाया था, फुल एनसीईआरटी पैटर्न पे पढ़ा रहा बेटा, ठीक है, सब एनसीईआरटी से लिए गए मैंने। तो आपको पता है मानव का शरीर, अगर मैं यहां से थोड़ा सा क्रिएट करूं, मानव जो बॉडी जो होती है, मानव बॉडी किससे बन के बनी होती बेटा, सेल से। मानव की जो बॉडी होती है वो किससे बनी होती है, सेल, इतनी आपको ध्यान रखना। और सेल, ये आपकी सेल है बच्चों, प्यारे बच्चों, ये आपकी सेल है, और सेल के अंदर ये आपका केंद्रक होता है। सेल के अंदर बेटा कौन होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। तो मेरी बात अभी ध्यान रखना, मानव की जो बॉडी होती है किससे बनी होती है, कोशिका से मिलकर बनी होती है, और कोशिका के केंद्र में कौन पाया जाता है, तो कोशिका के अंदर कौन पाया जाता है, केंद्रक, और केंद्रक के अंदर कौन पाया जाता है, गुणसूत्र, और गुणसूत्र के अंदर कौन पाया जाता है, डीएनए, कौन पाए बच्चों, डीएनए, और डीएनए पर कौन पाए जाते बेटा, जीन पाए जाते। अभी इन बातों को आप सीख लो बेटा, ये बात आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सर बॉडी जो ह्यूमन जो बॉडी होती है वो कोशिका से मिलकर बनी होती है, और कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है, और केंद्रक के अंदर बेटा गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, और डीएनए पर ही क्या होते हैं, जीन होते हैं। अभी प्रश्न बनाएंगे, अभी कहोगे सर जीन क्या करता है, डीएनए क्या करता है, थम जाओ, सारी चर्चा आपको बता देंगे पहली क्लास के माध्यम से, आपको पूरा क्या समझा देंगे बेटा, ठीक है, मजे आ रहे हो बेटा, मजे करो। तो प्यारे बच्चों, तो देखो ये आपकी सेल है, ये आपकी क्या है, सेल है, ये आपका बेटा कौन है, ये आपका केंद्रक, न्यूक्लियस, ये आपका बच्चों कौन है, केंद्रक है, न्यूक्लियस है। अब देखो ये न्यूक्लियस के अंदर कौन है बेटा, गुणसूत्र, न्यूक्लियस के अंदर कौन होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। और बेटा ये देखो बेटा, न्यूक्लियस के अंदर आपको कौन मिल गया, गुणसूत्र मिल गया, और गुणसूत्र के अंदर अभी क्या बताया था आपको, डीएनए, तो गुणसूत्र के अंदर कौन होगा बच्चों, गुणसूत्र के अंदर डीएनए हो गया, और डीएनए पर कौन पाया था, जीन, तो ये क्या पाया था, जीन पाया था। इतनी बात आपको समझानी थी प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, चलते चलते, ओके ओके चलेंगे बच्चों। अब ये समझाने का अर्थ क्या था, ये समझाने का अर्थ ये था कि अगली जो स्लाइड है वो इससे संबंधित है,
कोई भी तर्क ऐसा नहीं होगा जिसका कोई भी जॉइंट या कोई मतलब ना हो, कोई अर्थ ना हो। मैं आपको बता दूं बच्चों कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की है, आपको पता है, पढ़ा चुका हूं कि कोशिका की खोज बेटा रॉबर्ट हुक ने की। अरे सर कितनी बार बताओगे, कितनी बार रटाओगे, पढ़ पढ़ के पागल हो गए, इतनी बार आपने बोल दिया, बोल तो दिया है, याद होना चाहिए कि कोशिका की खोज किसने की है, रॉबर्ट हुक ने। तो बेटा जीवन की सबसे या जीव की सबसे छोटी और कार्यात्मक इकाई कौन होती बेटा, कोशिका होती है। आई होप आपको पता है। अगर आपसे पूछा जाओ बेटा कोशिका में कौन होता है, क्या बताया था, कोशिका में क्या पाया जाता है, केंद्रक। और बच्चों केंद्रक की खोज किसने की है, रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने कहा की है। यह कोशिका का नियंत्रण और प्रबंधन होता है। इस बात को समझो मेरी बात, एक बात आप मुझे बताओ, एक बात मुझे आप क्लियर कर दो, एक बात मुझे क्लियर करो। आपके शरीर को चलाने के लिए चलाता कौन है, आपका जो शरीर है मेरे प्यारे बच्चों चलाता कौन है, तो शरीर को चलाने वाला ब्रेन है। आपके शरीर का जो बाप है वो कौन है, ब्रेन। आपका जो ब्रेन है वो आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है, आपकी बॉडी को नियंत्रण करता है, आपकी बॉडी को प्रबंधक करता है, आपका ब्रेन। इसी तरह कोशिका को कंट्रोल करने के लिए बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं सेल को कंट्रोल कौन करता है, सेल को कंट्रोल कौन करता है, तो केंद्र करता है। कोशिका का मस्तिष्क पूछा जाए, एक प्रश्न यहां से मैं लिख देता हूं कि कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं, यह भी प्रश्न इंपोर्टेंट है कि कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं, यह भी प्रश्न याद करो बच्चों, कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं। तो आप ध्यान रखना किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सेल को कहते हैं। तो देखना कोशिका को कंट्रोल करने वाला कौन है बेटा, केंद्रक है। और केंद्रक की खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन को। इसलिए केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण और प्रबंधक अर्थात कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं, केंद्रक को, न्यूक्लियस को कहा जाता है। आई होप आपको समझा पा रहा हूं बेटा, क्योंकि बेटा एक एक पॉइंट को चार से पांच बार रिपीट कर रहा हूं कि जब तक नहीं तोड़ेंगे तब तक नहीं छोड़ेंगे, जब तक नहीं समझा पाएंगे आप, जब तक नहीं समझो मैं छोड़ूंगा नहीं, बोल बोल के ही रटा दूंगा बेटा, ठीक है। अब बेटा अब बताओ केंद्रक के अंदर कौन पाए जाते मेरे प्यारे बच्चों, केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम, गुणसूत्र। और बेटा गुणसूत्र की खोज किसने की है, बाल्टियर। ध्यान रखेंगे गुणसूत्र की खोज बाल्टियर ने की बेटा। ये अनुवांशिक गुणों का भाग होता है। अनुवांशिक गुणों का मतलब कैसा, जेनेटिक इंफॉर्मेशन बेसाइल होता है, वेहिकल होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। देखो इधर का मतलब, तो अनुवांशिक गुणों का वाहक का मतलब क्या है, अनुवांशिक गुणों का वाहक मतलब है कि माता पिता से सूचना बच्चे में लाता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बेटा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सूचना लाने का कार्य कौन करता है, क्रोमोसोम करता है, गुणसूत्र करता है। मेरे माता पिता से सूचना जो आई थी वो कौन लाया था, क्रोमोसोम, गुणसूत्र लाया था। तो बेटा आनुवांशिक गुणों का वाहक कौन होता है, गुणसूत्र। अब बेटा गुणसूत्र के अंदर कौन पाया जाते बेटा, डीएनए होता है। और डीएनए की खोज फ्रेडरिक मेसर। अब वाटसन और क्रिक भी आ रहे होंगे बेटा आपकी नजर में, बेटा वाटसन और क्रिक आ रहा है सर डीएनए के बारे में, तो वाटसन क्रिक ने बताया, नहीं प्यारे बच्चों नहीं, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, कौन सा मॉडल, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, डीएनए की डबल संरचना दे रही थी वाटसन और क्रिक ने दी थी बेटा, परंतु आपको बताया डीएनए की खोज करने वाला पैट्रिक मेसन था, ठीक है। इस बात को भी आप ध्यान रखना है। अगर यहां से मैं जीन की बात करूं बच्चों,
अगर जीन की खोज किसने की बेटा, जोहानसन ने की थी। इस बात को भी यार कहेंगे कि जीन की खोज करता जोहानसन ने की थी बेटा। और बेटा डीएनए पर किया था बेटा, डीएनए का क्या करता है बेटा, प्रोटीन संश्लेषण के लिए आदेश देता है या प्रोटीन संश्लेषण करने मदद करता है, ये आदेश राइबोसोम वगैरह को देता है। तो ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए आदेश डायरेक्शन निर्देश देता है। और जीन क्या करता है प्यारे बच्चों, आनुवांशिक गुणों को धारक होता है, जो जेनेटिक गुण होते हैं वो अपने ऊपर धारण करने वाला पूरा भाग जीन होता है। जीन के बारे में पूरा पूरा एक लेक्चर बनेगा। तो प्यारे बच्चों ये आपको समझ में आ चुका होगा, एक बार और बता दूं आपको, एक बार और बता देता हूं कि बेटा कोशिका की खोज किसने की है, रॉबर्ट हुक ने की है बेटा। जीवन की सबसे छोटी इकाई किसको बोला जाता है, कोशिका को बोला जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि केंद्रक की खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, इसलिए केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क या कोशिका का नियंत्रण या प्रबंधक बोला जाता है। अगर पूछा जाए क्रोमोसोम की खोज किसने की, तो आप आंसर लाओगे बाल्टियर ने की थी बेटा। ये आनुवांशिक गुणों का भाग होता है। डीएनए की खोज पूछा जाए तो पैट्रिक मिशर ने की थी और जीन की खोज जोहानसन ने। परंतु ये भी प्रश्न आपको ध्यान रखना है बेटा, डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वॉटसन ऑफ क्रिक ने। समझ में आया, बहुत ही मजे कर देंगे बेटा, बहुत ही मजे, बहुत ही शानदार लेक्चर रहेगा बेटा, बहुत ही मजे आया। अगर मैं आपसे प्रश्न की बात करें क्या, ठीक है, सेल क्लासिफिकेशन या हम कोशिका के प्रकार देखें या कोशिका का वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं या कोशिका के प्रकार को देखते हैं, तो कोशिका दो प्रकार की होती है। कोशिका दो प्रकार की होती है मेरे प्यारे बच्चों। इसको हम एक कोश की, जिसे हम यूनिसेलुलर जीव या बहुकोशिकीय जीव में डिफाइन करते बेटा, एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय दो प्रकार की कोशिका होती है। याद कर लो मनन, याद करो मनन कि कोशिका दो प्रकार की होती है, कोशिका दो प्रकार की, एक कोशिकीय जीव में और बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय। अगर प्रश्न ये भी उठेगा सर हमने तो पढ़ा यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल, थम जाओ अभी उस पर भी आऊंगा, तब आपकी घरी कर दूंगा बेटा, आपको घरी कर दूंगा। अभी फिलहाल सीखो कि यूनिसेलुलर क्या होता है और मल्टी सेलुलर क्या होता है। इन दोनों पर चर्चा करने वाले हैं कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर क्या होता है। तो बेटा अब आते हैं यूनिसेलुलर क्या होता है। यूनिसेलुलर की ध्यान रखना, कर लो आंखें खोल लो अपनी आंखें, पूरे ध्यान से सुनना बेटा। अब मैं क्या करने वाला हूं, देखो सेल की बात करें, सेल अगर कोई जीव है एक प्रकार की कोशिका से मिलकर बना है, एक प्रकार की सेल से मिलकर बना है, एक प्रकार की सेल से मिलकर बना है, ये ध्यान रखना बेटा। अगर कोई वस्तु, अगर मेरी बात सुनना, मैं थोड़ा सा डिस्टेक्स बता रहा हूं आपको थोड़ा सा, अगर मेरे पास कोई चीज है, थोड़ा सा मान लेता हूं, ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक या मैं कपड़ा मान लो, एक चीज आपको बता दे, ये कपड़ा है, मेरे शर्ट पहन के आया हूं, हैंडसम लग रहा हूं, सुंदर लग रहा हूं, तो पता ये कपड़ा है वो एक ही फाइबर से मिलकर बना होगा। अच्छा तो फाइबर होगा नहीं, अच्छी शर्ट लूंगा तो 10,000 तक की आएगी, 5,000 तक की आएगी, 2,000 रुपए वही शर्ट है। तो बेटा ये शर्ट बनी होगी तो नोकल फाइबर से मिलकर बनी होगी, तो एक ही प्रकार के रेशे से मिलकर बनी होगी। समझ आ रहा है, तो यही चीज समझ आ रहा हूं, अगर कोई जीव एक ही प्रकार की कोशिका से मिलकर बनी, एक ही प्रकार की कोशिका से मिलकर बना होता है, ऐसा जीव जो एक ही प्रकार के, एक कोशिका नहीं, एक ही प्रकार की, मान के चलेंगे एक ही प्रकार है, मान के चलें अगर उसमें एक सेल है तो वो पूरे ही शरीर का निर्माण कर रही है, तो एक ही प्रकार की कोशिका बनकर मिलकर बनी होती है, अलग अलग प्रकार के, ऐसा नहीं कि उस, जैसे मान के चलो मैं कोई बात कर लेता हूं, चलो यहां पर एक उदाहरण लेता, अमीबा आ रहा, इधर देखो अमीबा उदाहरण देख, मैं उदाहरण के तौर पे एक एग्जांपल ले लेता हूं,
अमीबा का मुंडी है, अमीबा का सर है। चलो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं जिससे आपको समझ में आए। अमीबा का पेट है, अमीबा का पैर है, ये पैर है। ऐसा नहीं, इसमें इसमें भी एक प्रकार, इसमें भी एक प्रकार की कोशिका होगी। मुंडी में जो कोशिका है वही पेट में कोशिका होगी, वही पैर में कोशिका होगी, वही हाथ में कोशिका होगी, एक ही प्रकार की कोशिका होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि मुंडी में जो अलग प्रकार की कोशिका है पेट में अलग प्रकार की कोशिका होती है और पैर में अलग प्रकार की कोशिका होती है, नहीं। तो यूनिसेलुलर कह लो या एक कोशिकीय जीव कह लो, ऐसे जीव जिनका शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर, एक प्रकार की कोशिका से मिलकर, उसमें कोई भी अलग प्रकार की कोशिका नहीं पाया। हम लोगों की बात करें, अगर मुझमें बात करें तो मुझमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं, आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं या लाल रक्त कोशिकाएं, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, तो मेरा शरीर जो है ना बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना, लगभग 200 से अधिक कोशिकाओं से मिलकर कौन बना है, मेरा शरीर बना। तो मैं यूनिसेलुलर में नहीं आता, मैं हम आते हैं बेटा मल्टीसेलुलर में। तो एक कोशिकीय जीव में कौन आता है बेटा, छोटे छोटे जीव, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, शुतुर मुर्गी का अंडा हो गया, ये सारे के सारे जीव हैं, वो एक कोशिकीय जीव अर्थात एक प्रकार की कोशिका से मिलकर बने होते हैं। एग्जांपल याद कर लेना, यूनिसेलुलर में अमीबा याद करो, अमीबा पैरामीशियम बैक्टीरिया प्लाज्मोडियम, अमीबा पैरामीशियम बैक्टीरिया प्लाज्मोडियम यूनिसेलुलर है। अब बेटा हम लोग जो होते हैं, हम लोगों की बात करें प्यारे बच्चों, हम लोगों की देखें प्यारे बच्चों, अगर हम लोगों की बात करें, यहां पर थोड़ा सा जानकारी रखने, हम लोगों में बेटा अलग अलग प्रकार की कोशिका पाई जाती है, जैसे आरबीसी कोशिका, डब्ल्यूबीसी कोशिका, प्लेटलेट्स कोशिका, अलग अलग प्रकार की कोशिका होती है। हमारा शरीर 200 से अधिक प्रकार की कोशिका से मिलकर बना होता है, इसलिए बेटा हम कौन होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुजीवी बहुकोशिकीय। इसमें बेटा कौन आता है, एनिमल आते हैं बेटा, प्लांट आते हैं और कवक आते हैं, ये तीनों के तीनों जो होते हैं वो कौन होते हैं, बहुकोशिकीय जीव होती है बेटा। इससे अब आपको लगता है कि आपको क्लियर हो चुका होगा कि यूनिसेल्यूलर क्या होते हैं। अगर आपको बता दूं यहीं पर, यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोटिक हो जाते हैं, ये यूकैरियोटिक होते हैं, उसमें भी चर्चा करने वाले हैं, आइए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अगर आप बात करें प्रोकैरियोटिक, यहां पर प्रोकैरियोटिक है, चलो कोशिका के क्लासिफिकेशन किया, जब कोशिका का क्लासिफिकेशन किया तो दो भागों में बांटा। अब प्रकार देख लो, टाइप्स ऑफ सेल, तो दो प्रकार की कोशिका होती है, एक होती बेटा प्रोकैरियोटिक कोशिका, ये बेटा समझने की कोशिश करना, एक कौन सी होती है, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, तो बेटा हिंदी में भी लिख देता हूं जो बच्चे थोड़ा सा दिक्कत आते हैं। तो पहली कोशिका प्रोकैरियोटिक सेल होती है, दूसरे प्रकार की जो कोशिका होती है वो दो प्रकार यूकैरियोटिक सेल होती है, कौन सी होती बेटा, यूकैरियोटिक सेल होती। तो बेटा ये बात आपको ध्यान रखना, तो प्रोकैरियोटिक सेल होती है यूकैरियोटिक सेल। अब क्वेश्चन आता है कि ये प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, सर एक कोशिकीय जीव पढ़ चुके हैं, बहुकोशिकीय जीव पढ़ चुके हैं, ये नया फंडा क्या लेके आए हो, नया तोल मोल क्या लेके आए, ये नया बवंडर क्या लेके आए हो कि यूकैरियोटिक सेल क्या होती है। बेटा रखो छाती पे हाथ, बोलो जय श्री राम, बोल दो जय श्री राम। बेटा सेल के टाइप्स की बात करें तो एक कोशिकीय नहीं बेटा, आपको यूकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल तो अभी पढ़ने वाले हैं, प्रोकैरियोटिक सेल पढ़े बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती, ठीक है, तो ये पढ़ना स्टार्ट करते बेटा, ठीक है। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है प्यारे बच्चों, प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो किसमें पाई जाती है, जीवाणुओं में पाई जाती है। हम लोगों में प्रोकैरियोटिक सेल कतई नहीं है, दूर दूर तक नहीं पाया जाती प्रोकैरियोटिक सेल। साइनोबैक्टीरिया सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनमें प्रोकैरियोटिक सेल होती है, बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, और बेटा
प्रोटोजोआ हो गया, प्लूरो निमोनिया समजीवी, पीपीएलओ हो गया, इन सब में बेटा प्रोकैरियोटिक सेल एक कोशिकीय जीवों का निर्माण करती है। जस्ट अभी बताया है एक कोशिकीय जीवों के निर्माण में कौन सहायक होती है बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। सूक्ष्मजीव जो होते हैं उनमें प्रोकैरियोटिक सेल होती है। बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन हरी शैवाल हो गया, प्रोटोप्लाज्म हो गया, पीपीएल हो गया, इन सब में बच्चों आपकी पाई जाती है कौन सी सेल बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल। क्या हमें पाई जाती है? नहीं। पौधों में पाई जाती है? नहीं। ये केवल एक कोशिकीय जीवों में पाई जाती है। हम किस में आते हैं? मल्टी सेलुलर बहु कोशिकीय जीवों में। इस प्रकार की कोशिका अर्ध विकसित होती बेटा, सेमी डेवलप्ड होती, अर्थात इसमें पूरी तरह से विकास नहीं होता, केंद्रक होता है परंतु पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता, या हम नग्न के माध्यम से देख सकते हैं, अर्ध विकसित होती है, पूरा निर्माण नहीं होता, वो भी बात करते हैं, अपूर्ण रूप से विकसित होते हैं। इसमें केंद्रक झिल्ली एवं सुविकसित कोशिकांगों का अभाव होता है, केंद्रक अस्पष्ट होता है, अर्थात केंद्रक के चारों केंद्रक पाया जाता है या कहीं लिखा हुआ नहीं पाया जाता है, केंद्रक होता है परंतु अस्पष्ट नहीं होता, केंद्रक झिल्ली नहीं होती, सुविकसित होती है। तो ये बात ध्यान रखना, ये सारे पॉइंट आपको देखो बेटा, बैक्टीरिया हो गया बेटा आपका, ये आपका पीपीएल हो गया, आपका नील हरित शैवाल हो गया, इन सब में बेटा कौन पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है। इस बात आप समझ लेना। देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं तो इसमें डीएनए आरएनए पाया जाता है। अगर हम कह सकते हैं डीएनए क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। डीएनए की संरचना कैसी होती है आपको बताओ, डीएनए की संरचना कैसी होती है, डबल हेलिक्स होती है। डीएनए की संरचना कैसी होती है, डबल होती है, द्विकुंडलित होती है, परंतु इसमें डीएनए कैसा होता है, सिंगल होता है, एकल सूत्र होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए कैसा होता है, एकल सूत्र होता है, ऐसा होता है। अगर बात करें इसकी जो कोशिका भित्ति, याद कर लो ये प्रश्न पूछा जाएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की कोशिका भित्ति जो होती है प्रोटीन की बनी होती है और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, याद कर लो प्रोकैरियोटिक कोशिका की भित्ति किसकी बनी होती है, प्रोटीन, किसकी बेटा, प्रोटीन की बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसमें श्वसन क्रिया किसके माध्यम से होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में या हम बैक्टीरिया में साइनोबैक्टीरिया में कह सकते हैं कि इसमें श्वसन क्रिया किसके माध्यम से होती है, प्लाज्मा झिल्ली से होती है। किसके माध्यम से होती है, प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से। याद कर लो बेटा, देखेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, केंद्रक झिल्ली, लाइसोसोम, केंद्र का सेंट्रियोल, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, ये सभी अनुपस्थित होते हैं, ये सभी नहीं पाए जाते। ये किस में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ आई, ये दो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर बात करें वैज्ञानिकों प्रोकैरियोटिक कोशिका के भाग पढ़ो, वैज्ञानिक ने प्रोकैरियोटिक कोशिका के चार भागों में बांटा है, कितने भागों में बांटा है, चार। ध्यान रखेंगे कि वैज्ञानिकों के आधार पर प्रोकैरियोटिक कोशिका को, कौन सी कोशिका चिल्ला कर कह रहा हूं, प्रोकैरियोटिक कोशिका को कितने भागों में बांटा है, मुख्य रूप से चार भागों में। ध्यान रखेंगे मुख्य रूप से चार भागों में बांटा है। कौन कौन से भाग आपको दिखाई दे, सबसे पहले कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है, दूसरी प्लाज्मा झिल्ली, क्योंकि प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से श्वसन होता है, तो प्लाज्मा झिल्ली भी बेटा प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका का मुख्य हिस्सा है। तो बेटा सेल वॉल होगी बच्चों, सेल वॉल हो गया, प्लाज्मा झिल्ली हो गया, और राइबोसोम और साइटोप्लाज्म, ये के चारों के तारों चारों बेटा आपके प्रोकैरियोटिक सेल में। अभी मैं आपको बता दूं बेटा, अभी आपको जस्ट बता देता हूं, देखें अगर आपको पूछा, देखो सबसे पहले इधर देखेंगे, देखो चारों की बात की, अभी मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा था मैंने, चार भागों। देखें कोशिका भित्ति, पहला
कोशिका भित्ति सेल वॉल, राइबोसोम दूसरा भाग हो गया, तीसरा भाग प्लाज्मा, प्लाज्मा झिल्ली हो गया, और तीसरा अपना साइटोप्लाज्म हो गया। ये चारों के चारों जो भाग हैं, ये चारों के चारों भाग प्रोकैरियोटिक कोशिका के मुख्य भाग हैं, जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका को बनाने में, सहन क्रिया करने में मुख्य सहायता करते हैं। तो ये चारों भाग साइटोप्लाज्म, सेल वॉल, राइबोसोम और सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली, ये चारों के चारों भाग प्रोकैरियोटिक कोशिका के, यहां पर आप एक बार नजर मार सकते बच्चों। तो यही मेरा पार्ट आपको दिखाए हुए उधर की उधर, ठीक है। अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करते, किसकी का बात करते बच्चों, यूकैरियोटिक सेल की, जब हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो ये आपके सामने यूकैरियोटिक सेल। तो सबसे पहले पॉइंट क्या निकलेगा बेटा, सबसे पहले पॉइंट आपका क्या निकलने वाला है, सबसे पहले यूकैरियोटिक सेल्स आपकी दिखाई दे रही है बेटा, पूरा का पूरा यूकैरियोटिक सेल होगी जो मुझ में पाई जाएगी, मनुष्यों में पाई जाएगी। बेटा अभी जस्ट बताया था बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण यूकैरियोटिक कोशिका करते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में मानव जीव आएगा, पादप आएंगे, कवक आएंगे। अब पढ़ने वाले हम कौन से बच्चों, यूकैरियोटिक सेल, हो जाओ तैयार, देखेंगे। तो यूकैरियोटिक सेल की बात करने वाले हैं, यूकैरियोटिक सेल क्या है। तो यूकैरियोटिक सेल की वे कोशिका जो पूर्ण रूप से विकसित होती है, जिसमें केंद्रक पूरी रूप से बना होगा, केंद्रक स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा, केंद्रक के चारों तरफ झिल्ली पाई जाती है। बेटा उसमें केंद्रक नहीं था या केंद्रक नगण्य था, इसमें केंद्रक पूरी तरह से विकसित होता है, उन कोशिका को हम क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। चिल्ला चिल्ला के बताओ, जिनमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होता है, पूर्ण रूप से विकसित होता है, उनको क्या कहते हैं बेटा, यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। ये बेटा किसमें पाई जाती है, प्लांट में बेटा, एनिमल में, कवक में, या हम कह सकते हैं मल्टी सेलुलर, किसमें बेटा, मल्टी सेलुलर जीवों में, बहुकोशिकीय जीवों में कौन पाई जाती है बेटा, यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक सेल कतई नहीं पाई जाती। देखेंगे तो आपकी देखेंगे, आप देखते चल रहे बच्चों। देखो इस प्रकार की कोशिका में केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होता है और कैसी झिल्ली से घिरा होता है, द्योरी झिल्ली से, जबकि उसमें केंद्रक के चारों तरफ झिल्ली, केंद्रक या डीएनए कह लो सिंगल था, इसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित है, इसमें केंद्रक पूर्ण रूप से बना है द्योरी झिल्ली से, इस बात पे आप कतई ध्यान रखने वाले हैं। तो मैंने क्या बताया बेटा, इसमें पूर्ण रूप से विकसित है, जिसका केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित है, केंद्रक के चारों झिल्ली पाई जाती है, पूर्ण रूप से विकसित है बेटा। ये किसमें पाया जाता है बेटा, एनिमल सेल, प्लांट सेल, कवक में, बहुकोश के जीवों में पाया जाता है। इतनी बात आप चिल्ला चिल्लाकर बता चुका हूं। इनकी यूकैरियोटिक कोशिका भित्ति, यूकैरियोट में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, ध्यान रखना। यह पॉइंट बाद में भी मिलेंगे, अभी यहां से आपको बता दूं, यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है उसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती, सेलुलोज की। सेलुलोज एक प्रकार का हम कह सकते हैं हमारा जैविक पदार्थ होता है, जो हमारे वातावरण क्षेत्र में पौधों प्लांट वगैरह मिल जाता है। तो किसकी बनी होती है, इस बात को ध्यान रखें, सेलुलोज की। कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, 80S राइबोसोम। यूकैरियोटिक कोशिका में 80S राइबोसोम होता है, जबकि प्रोकैरियोट में 70S राइबोसोम होता है। पूरा डायग्राम, पूरा चार्ट इस स्लाइड के बाद दिया गया है, तो आप वहां से याद कर लेंगे। मेरा मुख्य उद्देश्य था कि यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में अंतर, डिफरेंट बताना कि उसे यूकैरियोटिक सेल क्यों कहते हैं, उसे प्रोकैरियोटिक सेल क्यों कहते हैं, बाकी सब चीज याद रखनी। राइबोसोम क्या होता है, किसी के मन में उठेगा कि राइबोसोम क्या होता है, तो बेटा थम जाओ, दिले ठाम के बोल दो जय श्री राम, थम जाओ बेटा। अब बेटा मेन इंपोर्टेंट पॉइंट आपको बताया था कि इसमें श्वसन क्रिया कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें प्लाज्मा झिल्ली करती थी, कि यूकैरियोटिक सेल में आपको बता दें श्वसन क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया। बेटा इसको इसमें बेटा माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, ये सारे के सारे चीज पढ़ने वाले, ये कोशिका के अंग है। अब आप कहोगे सर माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, राइबोसोम क्या होता है, तो मैं एक चीज बताना चाहता हूं, ये आपकी बॉडी है, ये ह्यूमन बॉडी है। ये कौन है बेटा, ह्यूमन बॉडी,
ह्यूमन बॉडी के अंदर दिल होता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर दिल होता है, लिवर होता है, किडनी होती है, स्टमक होता है, पेंक्रियाज होता है, बहुत सारे अंग होता है, बहुत सारे अंगों से मिलकर हमारी बॉडी का निर्माण होता है। इसी प्रकार कोशिका के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, इन सबको पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों। आइए, आशा करता हूं आपको याद हो, ये पूरे के पूरे अंतर है बेटा। एक बार पेपर देने से पहले एक बार इसको पढ़ के जरूर जाना है, क्योंकि पूरा यूकैरियोटिक सेल और पूरा प्रोकैरियोटिक सेल यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। देखो बेटा अंतर देखो, कोशिका भित्ति उसमें किसकी बनी थी, प्रोकैरियोट में किसकी बनी थी, प्रोटीनो कार्बोहाइड्रेट की, इसमें किसकी बनी, सेलुलोज की। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, अनुपस्थित होता है, इसमें उपस्थित होता है, एंडोप्लाज्मिक अनुपस्थित होते हैं, इसमें क्या उपस्थित होते हैं बेटा। राइबोसोम की बात करें, इसमें कितने प्रकार का होता है, 70S प्रकार का होता है, 80S प्रकार का होता है। देखो इस तरह से पूरा का पूरा विवरण दिया है, अगर आप एक बार इसको पढ़ के जरूर जाना बेटा, ठीक है बच्चों। ओके ओके ठीक। अब आते हैं यहां की ओर, तो ये सारी जैसे डीएनए, डीएनए इसमें कैसा होता है, एकल सूत्र के आधार पर होता है, और बेटा इसमें यूकैरियोट में दोहरा सूत्र होता है। तो बेटा आज हमने बहुत सारी चीज पढ़ ली, कल हम नेक्स्ट लेक्चर में कोशिका की संरचना पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। तो नेक्स्ट लेक्चर की हम ये पढ़ने वाले हैं, उसके बाद ये, इसके बाद बचेगा हमारा ये पूरा का प्लांट सेल, ठीक है, और भी इसमें ऐड करते आएंगे। आज हमने कोशिका का बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा कि कोशिका कितने प्रकार की होती है, कोशिका का कार्य क्या होता है। बेटा कल हम कोशिका के अंदर प्रवेश करेंगे, कोशिका के अंदर दुबकी मारेंगे, कल हम कोशिका झिल्ली क्या होते हैं, भित्ति क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, राइबोसोम क्या होते हैं, सबको पढ़ने वाले हैं बच्चों। क्या सबको पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, मजा आ जाएगा मजा। चैप्टर पढ़ने का तरीका होता है बच्चों, अगर हम समझ कर पढ़ेंगे, थोड़ा उसको जानने की कोशिश करेंगे, तो साइंस से प्यारा कोई चीज नहीं बेटा। मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप स्पेशल तरीका से पढ़ते रहोगे बच्चों, जैसे तो आपको बता दूं, ये मैं पूरा याद करवा दूंगा आपको, ठीक है। तो आज की क्लास एंड करते हैं, इसका लेक्चर नंबर फर्स्ट सेल साइटोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो गया है, सेकंड लेक्चर हम कल लेंगे। तो मैं राहुल सिंह आज की क्लास में आपसे विदा लेता हूं, सभी को नमस्कार, जय हिंद, सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, खुश रहो, मस्त रहो, हैप्पी रहो, और लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। थैंक यू, धन्यवाद।